हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप AFCAT के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मिथ्स फैले रहते हैं, ये कॉमर्स ग्रेजुएट हैं डिफेंस में नहीं जा सकते, या फिर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। इस वीडियो के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जितने भी मिथ्स हैं वो सारे खत्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले AFCAT है क्या? AFCAT है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज कराती है दो ब्रांच के लिए। हमको जानना है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि दो ब्रांच के लिए ऑर्गेनाइज कराती है। एक होता है फ्लाइंग ब्रांच और दूसरी ब्रांच होती है जिसको ग्राउंड ड्यूटी बोलते हैं। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए कॉमर्स के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स एक मेजर सब्जेक्ट होना जरूरी है 11th 10th 12th के अंदर, और जो ग्रेजुएशन भी आपकी वो फिजिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट उसके अंदर होना ही चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी की जितनी भी एंट्री आएगी उसके अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड ड्यूटी में भी दो चीजें होती है, एक टेक्निकल होती है और एक होता है नॉन टेक्निकल। ये दो ब्रांचेस होती है। सो टेक्निकल ब्रांचेस के अंदर जो होता है वो बीटेक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने भी बीटेक किया हुआ है वो टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल ब्रांच जो होती है वो बेसिकली यहाँ पे आप कॉमर्स के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सारे के सारे नॉन टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो नॉन टेक्निकल ब्रांच हमारी होती है, AFCAT में हम एंट्री कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल ब्रांच हमको चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन टेक्निकल ब्रांच की जो भी क्वालिफिकेशन है वो कॉमर्स के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए पूरी की पूरी फुलफिल होती है। तो देखो, इंडियन एयरफोर्स ने जो इनवाइट करी है ये एप्लीकेशन, मेन एंड वीमेन बोथ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। और फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी के लिए है, ग्राउंड ड्यूटी में भी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल है, तो हम केवल नॉन टेक्निकल वाली ब्रांचेस में ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन AFCAT एग्जाम कंडक्ट होने वाला है इस बार, जो कि 3 डेट में होगा। 12th फरवरी को होगा 2022, 13th फरवरी एंड 14th फरवरी को होने वाला है। ये तो आपको नॉर्मल डिटेल आपको पता चल गया, तो मेन एंड वीमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, और डेट्स आपको जो है वो पता चल गई। अब कैंडिडेट जो भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए उनके बारे में देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AFCAT एंट्री में फ्लाइंग एंट्री यहाँ पे दे दी गई है, ग्राउंड ड्यूटी आपको टेक्निकल इधर बता दी गई है। ग्राउंड ड्यूटी के अंदर यहाँ पे डिटेल्स हमको देखने क्या चीज है। तो ग्राउंड ड्यूटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, और इसमें एक और आता है लॉजिस्टिक बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये तीन एंट्रीज जो है, ये तीनों की तीनों यहाँ पे आप कॉमर्स ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेन है तो पीसी यानी कि परमानेंट कमीशन होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे परमानेंट कमीशन क्या होता है। और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है जिसके अंदर विमेन एलिजिबल होती है मेनली, बेसिकली मेन एंड विमेन दोनों के लिए होता है, लेकिन विमेन के लिए केवल और केवल SSC होता है, परमानेंट कमीशन विमेन के लिए नहीं होती है। तो AFCAT से एंट्री अगर आपकी जा रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन और लॉजिस्टिक सेक्शन में आप जा सकते हैं। अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो वैकेंसी वैसे नहीं देखनी, क्योंकि हम केवल अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, हम जो है केवल मेहनत करेंगे। तो एडमिन में अगर हम देखेंगे तो परमानेंट कमीशन 10 और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो 41 इस बार वैकेंसी दी हुई है। लॉजिस्टिक में 8 and 31 है, अकाउंट्स में जो है 4 and 17 है। यहाँ पे जो अकाउंट्स वाली ब्रांच है इसमें CA भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने CA या फिर CS का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। वो अभी क्वालिफिकेशन वाली डिटेल्स आएगी वहां पे देख लेंगे। तो इस सेक्शन को अच्छे से आप देख लीजिए, ये सेक्शन के अंदर आप एलिजिबल हो रहे हैं। टाइप ऑफ सर्विस कमीशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा डिटेल में आपको बता देती हूँ। परमानेंट कमीशन जो होती है इसमें कैंडिडेट जो है वो परमानेंट कमीशन ऑफिसेस ज्वाइन करते हैं, वो टिल द एज ऑफ सुपरनेशन इन देयर रिस्पेक्टिव ब्रांचेस वो क्या कर सकते हैं, या फिर एज पर देयर रैंक वो एयरफोर्स में जॉब कर सकते हैं, एयरफोर्स में दे कैन वर्क। बाकी शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करेंगे तो फ्लाइंग ब्रांच, जिससे हमको मतलब नहीं है लेकिन जानना बहुत जरूरी है, फ्लाइंग ब्रांच की अगर बात करेंगे तो फ्लाइंग ब्रांच जो होती है वो 14 ईयर्स होती है। ठीक है, और ये नॉन एक्सटेंडेबल होती है, इसका मतलब आप 14 ईयर्स के बाद फ्लाइंग ब्रांच में अगर हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन से आप गए हुए हैं तो 14 ईयर्स के बाद आप सर्विस नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक रिटर्न। बाकी ग्राउंड ड्यूटी की अगर बात करेंगे, जिससे हमको मतलब है, नॉन टेक्निकल सेक्शन से मतलब है, इसका जो पीरियड होता है वो 10 इयर्स का होता है,
और इसमें एक्सटेंशन हो जाता है 4 इयर्स का, लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो ही एक्सटेंशन होगा, या फिर वैकेंसी अवेलेबल है तो ही होगा, विलिंगनेस है या फिर सुटेबिलिटी एंड मेरिट, ये सारी चीजें आपके अंदर या फिर इनमें से कोई भी एक चीज आपके पास है तो आप 4 इयर्स का जो एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है यस, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं और देखते हैं कौन कौन इसके अंदर फॉल कर रहा है, और अगर हम फॉल कर रहे हैं तो भाई अप्लाई तो पक्का ही पक्का करेंगे। तो नेशनैलिटी जो होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए एज पर द इंडियन सिटीजन एक्ट 1955, ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी फ्लाइंग ब्रांच नहीं देखते, ग्राउंड ड्यूटी पे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ग्राउंड ड्यूटी के अंदर जो आपकी एज होनी चाहिए वो 22-26 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और आपका जो एज है वो 2 जनवरी 1997 से लेके 1 जनवरी 2003, ये दोनों डेट के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डेट को बहुत ध्यान से आप देखेंगे और आप अपने हिसाब से चेक कर लेंगे कि आप इस डेट के अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोनों डेट जो है वो इंक्लूसिव है, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2003 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इंक्लूडेड है। बाकी मैरिटल स्टेटस की बात करेंगे तो मेन और विमेन के लिए जो मैरिटल स्टेटस होता है वो अलग अलग होता है, देख लेते हैं। मेन और विमेन का अलग अलग होता है। विमेन के लिए क्या होता है कि विमेन के लिए जरूरी है कि आप अनमैरिड ही रहें, ठीक है, ओनली अनमैरिड विमेन कैन अप्लाई। अनमैरिड यानी कि आप अगर डिवोर्सी हैं या फिर अगर आप विडो है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो प्योरली आप अनमैरिड ही होने चाहिए, विमेन का ये क्राइटेरिया। और एक और चीज आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी कि आपका AFCAT का एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद जो 5 डेज का SSB होता है उसकी भी एक वीडियो आएगी, उसको भी आप देखना। SSB का जो 5 डेज का आपका पीरियड होता है ये भी आप क्लियर कर लेते हैं, आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपका मेरिट में भी नाम आ जाता है, फिर आपकी होती है ट्रेनिंग स्टार्ट। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग भी आप जो है वो शादी नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इन केस आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग शादी कर ली है तो आप वहां से डिस्क्वालीफाई तुरंत हो जाओगे। तो विमेन जो कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, इनको स्पेशल ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस या फिर टिल द ट्रेनिंग पीरियड आपका खत्म नहीं हो जाता तब तक आप शादी नहीं कर सकते। बाकी मेन की अगर बात करते हैं तो मैरिड मेन जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग का जब तक आपका पीरियड चलेगा तब तक आपको कोई भी मैरिज अकोमोडेशन नहीं मिलने वाला, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे देखो बोला गया है, मेरिट कैंडिडेट अबव 25 इयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड दे विल नीदर बी प्रोवाइडेड मेरिट अकोमोडेशन नॉर दे कैन लिव आउट विद फैमिली, यानी कि आप ना मैरिज अकोमोडेशन आपको मिलेगा, मैरिज अकोमोडेशन का मतलब होता है जो कैंपस एरिया होता है वहाँ पे फैमिली अकोमोडेशन के लिए क्वार्टर्स मिलते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी क्वार्टर नहीं दिया जाएगा, प्लस आप अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए अलाउड भी नहीं। तो ट्रेनिंग पीरियड आपको पूरी की पूरी जो है वो आपका जो भी सेंटर आएगा, ट्रेनिंग सेंटर आएगा, वहीं पे आपको पूरी करनी पड़ेगी। बाकी विमेन का जो होता है वो आपकी जो एयर होनी चाहिए, कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स एज लिमिट और अनमैरिड होनी चाहिए, ये भी मेंशन कर दिया है जो मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे लिख भी दिया है कि विडोज या फिर डिवोर्सी ये हु आर बिलो 25 इयर्स आर आल्सो नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर आप विडो और या फिर डिवोर्सी हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में देनी थी, एज ग्रुप एक तो आप ध्यान में दे लेना और दूसरा मैरिटल स्टेटस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 2-3 चीजें थोड़ा सा कंसीडर करने वाली हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांगेंगे तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिकुलेशन या फिर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अपना ये जमा करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है वो शो नहीं होती है, ठीक है, केवल शो होता है कि आपकी ईयर्स कितने, जैसे किसी में लिखा होगा 22 ईयर्स, किसी में लिखा होगा 33 इयर्स 4 मंथ्स ऐसा करके लिखा होगा। तो अगर किसी का भी ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ शो नहीं है, केवल एज कंप्लीटेड शो है, तो उनको क्या करना है, इन सच केसेस कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इस सर्टिफिकेट फ्रॉम हेडमास्टर और प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहां से भी उसने मैट्रिकुलेशन या फिर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया। तो ये बात वो लोग अच्छे से नोट कर लें जिनके जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, ठीक है, ये देख ले। और एक स्पेशल यहाँ पे और बात आपको देखनी है, द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर व्हाइल एंटरिंग डेट ऑफ बर्थ,
अगर आपका वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ में हल्का सा भी फ्लॉज आता है, क्या बोल दो कि गलती से मेरे से 1-2 हो गया था, मेरे को 1-1 करना था, तो ये कोई भी चीज एंटरटेन नहीं करी जाएगी और वहीं से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा थ्रू आउट लाइफ के लिए। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ को पुट करते टाइम, एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ में जितने भी आप चीजें उसमें फिल करने वाले हैं, जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, बहुत ध्यान से आपको फिल करने हैं, क्योंकि एक भी हल्का सा फ्लॉज आया तो आप थ्रू आउट लाइफ के लिए तीनों सर्विस से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं भाई, क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो केवल मैंने ग्राउंड ड्यूटी ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ही इससे ही हमको मतलब है कॉमर्स ग्रेजुएट ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्राउंड ड्यूटी में भी नॉन टेक्निकल ब्रांच में अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में जाना है तो पहली चीज 12th होना चाहिए आपका, बिल्कुल कॉमर्स ग्रेजुएट्स जितने भी होते हैं 12th उन्होंने किया होता है। दूसरी चीज, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी डिसिप्लिन में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास बीकॉम हो तो भी चलेगा, आपके पास बीबीए हो तो भी चलेगा, आपके पास बीसीए है तो भी चलेगा, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके अंदर ये आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक के अंदर आप कॉल कर। दूसरी चीज, अगर अकाउंट्स ब्रांच के अंदर आपको देखना है तो यहाँ पे ये स्पेशली कैटेगरी जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स की है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक में यहाँ पे बीएससी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, बीसीए वाले भी कर सकते हैं, बीकॉम बीबीए सारे लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अकाउंट्स ब्रांच में जाना है तो स्पेशली आपको क्या करनी पड़ेगी, या तो आपके पास बीकॉम होना चाहिए, ये कोड बेटा मेंशन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, एप्लीकेशन फिल करते टाइम ये कोड आपको डालने पड़ेंगे, तो इसमें से कौन सा कोड आपके लिए एलिजिबल हो रहा है वो थोड़ा ध्यान रख लेना। तो क्वालिफिकेशन बीकॉम होनी चाहिए आपकी मिनिमम 3 इयर्स की, या फिर आपके पास बीबीए होनी चाहिए, या फिर आपके पास बीएमएस होनी चाहिए यानी कि बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, या फिर आपके पास बीबीएस होनी चाहिए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो लोग सीए सीएमएस सीएस या फिर सीएफए क्वालिफाई कर सके हैं वो भी अकाउंट्स ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी भी करी है लेकिन स्पेशलाइज फाइनेंस में करी होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक चीज बेटा ध्यान रखेंगे आप कि अगर आप बीकॉम के ग्रेजुएट हैं तो आप अकाउंट्स ब्रांच में कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन अगर आप बीबीए के ग्रेजुएट हैं तो स्पेशली आपको बीबीए जो है फाइनेंस में होनी चाहिए आपकी, यानी कि स्पेशलाइजेशन जो होना चाहिए वो फाइनेंस में होना चाहिए, तभी आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फाइनेंस में नहीं है, अगर आपका एचआर में है या मार्केटिंग में है या फिर आपका किसी भी फील्ड में है, तो आप क्या करोगे, फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक के अंदर जाओगे। इसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, कोड आप इसको ध्यान से देख लेंगे, AA कोड है इसका। ठीक है ना, तो AA कोड के अंदर चले जाओगे। अगर आप बीबीए फाइनेंस में आपने किया हुआ है तो आप AA में भी जा सकते हो या फिर आप AB में भी जा सकते हो, यानी कि अकाउंट्स ब्रांच में भी जा सकते हो। सेम ये अप्लाई होता है बीएमएस और बीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, तो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वो फाइनेंस में ही होनी चाहिए, और बीएससी अगर आपने करी हुई है और स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में करी है तो भी आप अकाउंट्स ब्रांच के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको नोट करके रखनी है वो थोड़ा सा देख लेंगे। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड इन 10+2 पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन एलिजिबल है। यहाँ पे एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर आ जाती है कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने LLB की हुई है, ठीक है, वो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ग्राउंड ड्यूटी, जो कि नॉन टेक्निकल ब्रांच में आएंगी, एंड दीज कैंडिडेट में गेट इम्प्लॉयड ऑन लीगल ड्यूटीज ऑफ। चलो ये तो कोई बात नहीं। आगे यहाँ पे आपको CGPA के बारे में दिया हुआ है। जब आप अपने एप्लीकेशन फिल करोगे तो कभी कभी क्या होता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो CGPA में दिए जाते हैं, लेकिन जो अगर आपकी मार्कशीट अगर आप देखोगे, जैसे अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो मार्कशीट के पीछे ही जो है वो लिखा होता है कि आप किस तरीके से CGPA को कन्वर्ट करोगे, तो आप उस तरीके से CGPA को परसेंटेज मार्क्स में कन्वर्ट करोगे पहले, उसके बाद आप वहां पे फिल करोगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आप देके काम करेंगे, ठीक है, ये चीज आप देख लेंगे। बाकी और इन्फॉर्मेशन जो है किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कौन सा आपको फॉर्म सबमिट करना है, कैसा फॉर्म होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो में हम एक चीज तो जान चुके हैं कि जितने भी कॉमर्स के ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो लोग अपनी देश की सेवा में अब बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं और हमारे देश को एक बढ़िया एक भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की तरफ लेके जा सकते हैं थ्रू AF कैट एंट्री। एक और वीडियो अभी आगे आने वाली है जिसमें मैं बताऊंगी NDA की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है NDA के लिए, यानी कि 12th के बाद ही, ये तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है AF कैट, NDA जो होता है वो 12th
जो पास स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है। तो एनडीए में आप ट्वेल्थ के बाद अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी फील्ड आपके लिए खुली हुई है, उसमें से एक फील्ड है AFCAT, आप अप्लाई करिए इसके अंदर और आई होप यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ।